गुड मॉर्निंग भाई लोगों, बस एक बात, एक दो बच्चा आ गया था, फिर स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग मैम, लास्ट क्या करवाया था? सॉरी, कल से पहले नहीं आ सकते, तो कल से आ सकते हैं। बराबर कर दिया सिलेबस यहाँ का भी और यहाँ का। हाँ, तो उसके आगे भी करेंगे ना। उसके आगे किसने मना किया? मैंने ये कहा था याद रखना है कि आपको आर्टिकल 50 तक बिल्कुल याद होने चाहिए कंठस्थ। उसके आगे आर्टिकल नहीं पूछेगा। क्वेश्चन तो सारी पॉलिटी में सारी में से आएगा भाई, क्वेश्चन की कौन मना कर रहा है। हाँ, रिपीट हो सकते हैं, रिपीट। ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं हो सकते। किसने कहा नहीं होंगे? हमने तो नहीं कहा। एक मिनट भाई, एक छोटी सी चीज अपलोड कर देता हूँ, फिर कर रहा हूँ। कुछ मेंस के क्वेश्चन है। मॉर्निंग मैम, हाँ।
कल कहाँ तक हुआ था? थर्टी 33 देखिए क्या कह रहा है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कंफर्ड बाय द पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स, मतलब क्या कह रहा है? फोर्सेस पार्लियामेंट क्या कर सकता है? मे बाय लॉ चेंज कर सकता है। किसको चेंज कर सकता है? जो ऊपर राइट दिए गए हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप किसी फोर्सेस में काम करोगे, किसी फोर्स में काम करोगे, तो वो आपके राइट्स ले लिए जाएंगे, आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आपके हटा दिए गए हैं। राजीव भाई क्या करूं, कोई है ही नहीं, तो आ जाता हूं सर लाइब्रेरी और अच्छा लिबर्टी और फेटर्निटी बता दो एक बार। ठीक है, बता देंगे भाई, शाम को आओगे तब पूछ लेना। देखिए क्या कह रहा था। हाँ, अगर आप क्या करते हो, कोई भी फोर्स के मेंबर बनते हो, किसी भी फोर्स यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी हो सकता है, तो आपके राइट्स, पुलिस में भी आपके फंडामेंटल राइट्स वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? क्या वो इंसान नहीं होते? ऐसी बात नहीं है। उनको काम करने के लिए कुछ सर्टेन लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट के दौरान हम वो फंडामेंटल राइट ले भी सकते हैं। इसीलिए आपने एक बार
देखा भी होगा, किसी ने जो आर्मी का एक वो था जवान था, उसने वो रिवील कर दिया था, कुछ आर्मी के खाने के बारे में बोल दिया था, पता है आर्मी के खाने के बारे में बोल दिया था, ऐसा खाना देते हैं ऐसा खाना देते हैं। भाई क्यों बोल रहे हो जब आपको पता है, आपको आपसे लिखवाया गया है वहां पे कि आप इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, तो आप क्यों जा रहे हो? इसीलिए उसका कोर्ट मार्शल कर दिया और बाहर निकाल दिया उसको। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, द मेंबर ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के साथ उनको चार्ज किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है भाई, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, क्या नहीं होगा आपके पास? आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, चाहे गवर्नमेंट में सॉरी प्राइवेट में तो नहीं, गवर्नमेंट में काम करो तो आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देयर आर सर्टेन लिमिट्स जहां पे वो ले लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, 34 की। जब मिलिट्री लॉ लगता है, मिलिट्री लॉ मार्शल लॉ, तो सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाते हैं। मार्शल लॉ, अच्छा मार्शल लॉ में ऑर्डर वो किसके पास होता है, डिस्ट्रिक्ट को कौन चलाता है? मार्शल लॉ लगता है, मिलिट्री लॉ लगता है। भाई मान लो ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो राष्ट्रपति चलाता है, ठीक है, मतलब सेंटर के हाथ में आ जाती है पूरी पावर, गवर्नर चला लेता है। जब लेकिन किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में मिलिट्री लॉ लग गया तो कौन चलाएगा? मिलिट्री, सारे जवान मिलके, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर चलाएगा पक्का? सोच के बताना कौन चलाता है। वो आईएएस के बराबर होता है। मिलिट्री में जो मिलिट्री रूल लगेगा, लेफ्टिनेंट जनरल थोड़ा सा नीचे रहेगा। अरे भाई राजीव यहाँ आओगे तो बता दूंगा, लिबर्टी भी और फेटर्निटी भी। आर्मी चीफ, वाह, आर्मी चीफ क्यों चलाएगा भाई? वो सारी आर्मी छोड़ के वहां आएगा क्या? पागल हो गए राजीव? थर्टी फाइव मार्शल में पढ़ लो क्या है मार्शल में। जब लॉ एंड ऑर्डर, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में मिलिट्री लगा दी थी, क्यों लगाती थी? वहां मार्शल लॉ लग गया था। क्यों लग गया था? लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए। अक्सर जम्मू कश्मीर में लगता रहता था पहले, अभी तो नहीं लगा है सर 370 हटाने के बाद। हाँ मान लो दिल्ली में सीएए था, ठीक है, तब मार्शल लॉ लगा था। लोग जब आगजनी कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, तो लगा था ये। थर्टी फाइव क्या कहता है? थर्टी फाइव क्या कहता है पता नहीं सर क्या कहता है, कुछ लिखा हुआ है धुंधला सा। फंडामेंटल
क्या लिखा है पहली लाइन में? पार्लियामेंट सेल हैव, उसके बाद एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट सेल नॉट हैव, मतलब आपका पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है, हरियाणा के पास पावर नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बना दे, नई चीज ऐड करे, समझ गए? हाँ, स्टेट का मतलब यहाँ गवर्नमेंट बॉडी से भी है, स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट से भी है, वो आपको वहां के कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि किसका बोल रही है, क्योंकि पार्लियामेंट इसने पहले बोल दिया, सीधी सी बात है, पार्लियामेंट बोल दिया तो अब जो स्टेट आएगा वो स्टेट कौन सा होगा जो हमारा, जिसको हम स्टेट बोलते हैं एक्चुअली में। पहला क्लॉज देखिए इसका क्या कहता है, सॉरी सब क्लॉज, क्या करेगा इन क्लॉज पे लॉ कौन बना सकता है? पार्लियामेंट, बस सीधी सी बात है। अब यहां आ जाइए, क्या कह रहा है? हाँ, तो ये तो सीधी सी बात है, अगर उसमें कुछ एड ऑन होता रहेगा तो सब क्लॉज चलते रहेंगे, उसको क्लॉज चलता रहेगा। जैसे अभी 16 में आया था, 15 आपका ईडब्ल्यूएस आया है, 15 और 16 में ऐड हुए हैं, ठीक है, 6 और 5 ऐड हुए हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक कर रहे थे, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से रिलेटेड हमें क्या करना है, कुछ चीजें देखनी है। क्या देखनी है? अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि कितने अमेंड कर सकते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दो चीजें देखनी है आज हमें। अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या बदले जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट्स बदले जा सकते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, कितने एक्सटेंट तक बदला जा सकता है, कौन फंडामेंटल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशन कौन चेंज कर सकता है उन्हें, इन क्वेश्चंस के जवाब हम देखेंगे। तो कुछ केस हैं उनके बारे में देखेंगे पहले। ट्रिपल आर मूवी देखी है? क्या देखा है? अच्छी मूवी थी। हाँ? उसमें दो अलग अलग कहानियां होती हैं, और दोनों अलग अलग कहानियां एक टाइम, एक इधर से शुरू होती है, एक इधर से शुरू होती है, और दोनों अलग अलग कहानियां आके एक जगह मिल जाती हैं, और फिर एंड में उनका दोनों का मोटो क्या होता है, एक ही होता है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये उस मूवी की दो कहानियां हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कहीं आके एक जगह पे मिलेगी, और एक जगह पे मिलने के बाद
एंडिंग उनकी एक जैसी होगी। बात करते हैं कैसे, यहां आ जाइए। कहां गया भाई, ये रहा। इस स्लाइड पे बार बार आना है, अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स को हम क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। आज तक जो सब पढ़ते आए हैं, कितने लॉ कितने केस ये याद कर सकते हो आप कि कौन सा केस कहाँ आता है, पढ़े हैं सारे, बहुत सारे हैं सर, आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, देखिए अभी इसको मत देखना, अभी सिर्फ क्या देखेंगे, ये देखेंगे स्टेट। देखिए जब भारत आजाद हुआ, भारत जब आजाद हुआ तो भारत आजाद हुआ तो ज्यादातर जमीनें किसके पास थी, जमींदारों के पास थी। अब गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट का हमारा एक मोटो था, क्या था, हमारा एक मोटो था, क्या था, जो हमारा सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या था सर, इंडियन सोशलिज्म क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सर हमारे पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। दूसरा क्या था, ये गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी और क्या करेगी, गवर्नमेंट ही उन रिसोर्स का ऑन करेगी, ऑपरेट करेगी, मैनेज करेगी और बाकी जो भी करना है वो सारी चीजें गवर्नमेंट ही करेगी। क्लियर है, अब ये बात हो गई। ये बात होने के बाद क्या हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने अपना मोटो लिख दिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में, 26 जनवरी 1950 को ये चीजें एक्सेप्ट भी हो गई, सब कुछ हो गया। 1950 में हमारे देश का किसान ऐसा था, कैसा था सर, एक आईआईटी इंजीनियर जिसके पास लैपटॉप होता है उसका आप राइट ले लो। तो हमारा फार्मर भी ऐसा था, हमारा फार्मर भी ऐसा था जिसके पास लैंड नहीं थी। अब लैंड नहीं थी तो एग्रीकल्चर कहां से करेगा, लैंड नहीं थी तो एग्रीकल्चर कहां करेगा। तो ये जो फार्मर था, ये फार्मर क्या था, विदाउट लैंड था। जिस फार्मर के पास, मतलब ये आईआईटी का जो इंजीनियर है विदाउट लैपटॉप हो गया, आईटी कंपनी में काम कर रहा है, आईटी कंपनी में काम करने के बाद उसका लैपटॉप ले लिया गया, बिना लैपटॉप क्या कर लेगा भाई, कहलाए तो इंजीनियर का वो आईटी कंपनी का ही कहलाएगा लेकिन कर क्या लेगा। ऐसे ही हमारे फार्मर्स की हालत हो गई थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन को ही हमने क्या बोल दिया, लैंड रिफॉर्म। अब जब लैंड रिफॉर्म आए तो जो हमारे चचा थे, चचा कौन नेहरू, तो उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी थे, वो क्या लेके आए, वो लेके आए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसमें लैंड रिफॉर्म किया गया था, मतलब लैंड रिफॉर्म की बात की गई थी 3-4 सीट में, बिहार हो गया और आपका ये बॉम्बे हो गया, ऐसे स्टेट्स में बात की गई थी लैंड रिफॉर्म की, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो लोग थे, मतलब बहुत सारे लोगों के पास लैंड नहीं थी और कुछ लोग थे जिनके पास बहुत सारी लैंड थी। तब पहला लेके आई गवर्नमेंट ये बिल, क्यों लेके आई ये बिल,
क्योंकि सर आर्टिकल 31 में हमने क्या किया था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आर्टिकल 31 में हमने क्या कर दिया था, लैंड को फंडामेंटल राइट दे दिया था, इसीलिए अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करके ये बिल ले आई। अब सब इसको चैलेंज कर देते हैं अपने शंकरी प्रसाद, इसको चैलेंज कर देते हैं अपने शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद क्या बोलते हैं भाई कि भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, लैंड हमारा फंडामेंटल राइट है, गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। आप 31 में हमें बोल रहे हो कि लैंड इज द फंडामेंटल राइट, तो गवर्नमेंट कैसे ले सकती है। देखो लैंड रिफॉर्म किए, लैंड रिफॉर्म क्या थे पहले ये देख लो कि लिमिट लैंड की गई, अमाउंट मतलब जो हमारी लैंड थी वो एक सर्टेन लिमिट तक ही रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं रख सकता कोई भी। अगर उससे ज्यादा है तो लेके गवर्नमेंट उसको पैसे देगी, नो डाउट पैसे देगी उसको, लेकिन उसको जमीन ना चाहते हुए भी बेचनी पड़ेगी। क्यों बेचनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है, इसीलिए अमेंडमेंट किया गया था। अब ये तो कर दिया, ये तो सब हो गया गवर्नमेंट। अब तुम बोलोगे सर चाचा कैसे अमेंड कर सकते थे, क्योंकि लैंड जो है वो किसके पास है, लैंड कौन सी लिस्ट में है, स्टेट में, यूनियन में या कंकरेंट में, स्टेट, स्टेट लिस्ट में है। तो सर चाचा कैसे बना सकते हैं, तो चाचा इसलिए ऐसे बना सकते हैं कि वो अपने स्टेट को बोले भाई थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लो, और ऐसा लॉ बना देते हैं ताकि आगे वोट आने का चांस हो जाए कि हम ऊपर वालों से जमीन लेके गरीबों को दे देंगे तो आगे वोट आने का चांस हो जाएगा। तो चाचा के जितने भी यार दोस्त थे मान गए, अब चाचा भी मान गए और क्या कर रहे हैं, स्टेट लिस्ट में अमेंडमेंट करते हैं, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर अमेंडमेंट कर देते हैं। पहला अमेंडमेंट कब होता है, 1951 में, और जमीनें ले ली जाती हैं किसानों की। अरे चल भाई, अब देखिए लैंड ओनरशिप की बात करते हैं। लैंड ओनरशिप में आपका आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 लैंड इज योर फंडामेंटल राइट्स, आपसे कोई ले सकता है, नहीं ले सकता। आर्टिकल 14 और 19 सर कहां से आया, और फिर आप बोल रहे हो 13 clause 2, 32 और 226, ये कहां से आ गए। सर अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कहां जाते हैं आप, अगर आर्टिकल 13 आपका क्या है, सॉरी 31 क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, तो 14 क्या है, 14 में क्या बोला गया है, इक्वालिटी, इक्वालिटी का कंसेप्ट दे रहे हैं। भाई आप इक्वालिटी कहां कर रहे हो, हमारी तो लैंड ले रहे हो आप, हमारे साथ तो गलत कर रहे हो। 19 सर कहां से आ गया, 19 ऐसे आ गया, लैंड इज आल्सो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। सर कैसे, लैंड आप कैसे बोल सकते हो कि लैंड इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। लैंड इज द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे बोल सकते हो जब आप घर जाते हो तो बड़ा रिलीफ महसूस करते हो, अपने घर पे जाते ही जूते उतारे, बैग फेंक दिया कहीं पे,
अब वो कहीं किसी को जाके सर में लगो या नहीं लगो, कहीं पड़ा है अगले दिन देखेंगे, अब तो घर आ गए, अब क्या करना है, रेस्ट करना है। इसीलिए आप जमीन खरीदते हो बहुत खुश होते हो कि जमीन खरीदी है, खुश हो गए। इसीलिए बोला गया है लैंड इज द आल्सो ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ ये भी लगा सकते हो, लेकिन उस टाइम यही रीजन दिए गए थे कि भाई ऐसा ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। प्रोफेशन, हाँ राइट टू प्रोफेशन में क्या कर रहे हो, लैंड आएगी, हाँ एग्रीकल्चर क्या है, प्रोफेशन नहीं तो है। यहां आ जाइए आप, जो संकरी प्रसाद था, संकरी प्रसाद के बेचारे की लैंड ले ली, जो एक्स्ट्रा थी वो लैंड ले ली। अब ये गया भाग के कहां, कोर्ट के पास, और कोर्ट में कहा भाई मेरी लैंड ले ली, और तुमने तो आर्टिकल 13 में क्या कहा है, आर्टिकल 13 में क्या कहा है इन्होंने, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू में क्या बोला सर, अगर कोई भी लॉ आपके फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वॉयलेट करता है, तो दैट लॉ शुड बी नल एंड वॉइड। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या खेल रहे हो, लॉ लॉ बंद करो। और क्या बोला, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी, क्या वर्डिक्ट दी, नो लॉ कैन वायलेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, दूसरा क्या कहा, दूसरा कहा कि आपके पास दो तरह की पावर है। कौन कौन सी पावर है सर, आपके पास कौन सी पावर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, और दूसरी क्या है, ऑर्डिनरी पावर है। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूट को अमेंड कर सकते हो, पार्लियामेंट को बोला है, और दूसरा क्या बोला है, किसी भी अदर लॉ को आप बना सकते हो। फिर सर क्या शंकरी प्रसाद को मिली जमीन, नहीं मिली जमीन, तो किसी को नहीं मिलेगी, जितने भी लॉ जितने भी वर्डिक्ट दी हैं, जमीन किसी को भी नहीं मिलेगी। शंकरी प्रसाद चुपचाप अपने घर चला गया, क्यों, केस हार गया। पहली वर्डिक्ट आ चुकी थी, क्या हुआ, 1951 में ही एक और एक केस ऐड हो गया, कौन सा, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब आपके ये सज्जन सिंह आते हैं घूमर घूमर करते हुए, राजस्थान के थे शंकर, ये आपके सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब ये जब क्या हुआ 1946 में, सर ये 1946 में क्यों आया, इतने टाइम बाद, सॉरी 64 में क्यों आया, इतने टाइम बाद ये इसलिए आया क्योंकि स्टेट ने, जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने आर्टिकल जो आपका ये है, यहां से फर्स्ट, यहां से एक चीज और आई थी, सॉरी मैं भूल गया, आपका शेड्यूल 9। सर शेड्यूल 9 क्या है, कोई भी लॉ अगर आप किसमें डाल देते हो, शेड्यूल में 9 में डाल देते हो, तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता उसके ऊपर। अब इसने क्या किया था, गवर्नमेंट ने वहां पे डालना शुरू कर दिया था लॉ को। अब इसने शेड्यूल 9 के अंदर, गवर्नमेंट ने शेड्यूल 9 के अंदर
लगभग 30 एंट्रीज और डाली, जिसमें हरियाणा राजस्थान भी था, और हरियाणा तो था नहीं, पंजाब, पंजाब और राजस्थान था। अब राजस्थान को भाई आयो खम्बागणी साहब, और खम्बागणी जज साहब को पसंद नहीं आई और वही केस चला सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या होता है देखते हैं। अच्छा ये एक सेकेंड, ये वर्डिक्ट नोट कर लीजिए कि गवर्नमेंट इस केस में क्या हुई थी, गवर्नमेंट जीत गई थी। अभी हमने बात की ना कि जो आपका शंकरी प्रसाद था वो तो हार गया, गवर्नमेंट जीत गई। अब गवर्नमेंट जीत गई तो भाई सीधी सी बात है, जीतने वाले का कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही। अब वो यो यो करते हुए चाचा गए और 30 एंट्री और ठोक दी शेड्यूल 9 में। यहां एक वर्डिक्ट आई थी, क्या वर्डिक्ट आई थी, लॉ डज नॉट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लॉ का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पार्लियामेंट हैज द, अभी देखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, और जो लास्ट वर्ड है ये देख लो क्या है, एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को भी चेंज कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई भी चीज चेंज कर सकता है पार्लियामेंट। अब आ जाइए, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई 9th शेड्यूल में बहुत सारी चीजें डाली गई, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1964 में, तो वहां पे राजस्थान और पंजाब इन दो स्टेट को और डाल दिया, और गवर्नमेंट क्या कर रही थी, कंपल्सरी कंपनसेशन दे रही थी, लैंड अगर लेगी तो पैसे देगी। अब भाई सज्जन सिंह राजस्थान से थे, खम्बागणी करते हुए आए और घूमर घूमर किया, पर घूमर पसंद नहीं आया तो कुछ एक्स्ट्रा वर्डिक्ट आई, और क्या हुआ, केस तो इसको भी हारना ही था, केस तो हारना था, लैंड तो मिलनी नहीं थी। लैंड क्यों नहीं मिलनी थी, क्योंकि भाई गवर्नमेंट चाह रही थी, और गवर्नमेंट चाह रही थी क्या कि सबका बेनिफिट हो, आगे देखेंगे कि क्यों नहीं मिली लैंड सबको। अब यहां पे इस केस में जो पीछे वाला केस था, इस केस में गवर्नमेंट की वर्डिक्ट सेम रहती है, सेम वही डिसीजन दिया जो किसमें दिया था, जो शंकरी प्रसाद में दिया था। अब कौन आता है आपका, अब आता है गोकू, आपका गोलकनाथ। अब गोलकनाथ क्या कहता है, शंकरी का सज्जू का सबका बदला लेगा अपन। तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भाई ये ऐसा इंसान था जिसके पास लगभग 500 एकड़ जमीन थी, और 500 एकड़ में से 400 एकड़ इसकी छीन गई, तो भाई इंसान रोएगा भी नहीं। अब भाई इसकी जिंदगी चेंज होने वाली थी। अब जब केस गया, अच्छा जो आपका ये राजस्थान भायो है, भायो भी रोया, भायो क्यों रोया, क्योंकि उसकी लैंड चली गई, अब घूमर घूमर के पास पैसा आना बंद हो गया। अच्छा एक चीज और बताइए चलिए, घूमर घूमर के पास पैसा आना बंद हो गया था, ये जो था, अरे भाई कहाँ गया, हाँ इस टाइम में आपका प्रधानमंत्री कौन था,
लाल बहादुर शास्त्री कहाँ थे सर? आईजी योगी की बेटी इंदिरा गांधी। अब उसके पापा चचा, और चचा की वो परछाई कैसे छोड़ सकती थी, इसीलिए अभी देखना आगे क्या क्या करती है वो। गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस में क्या वर्डिक्ट आई, क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर द लॉ अंडर द आर्टिकल 13 क्लॉज 2। सर 13 क्लॉज 2 क्या है? 13 क्लॉज 2 क्या है? पढ़ा तो है, बताइए जल्दी से। 13 क्लॉज 2 पता नहीं सर? क्लॉज 2 पूछा है, क्लॉज 2। स्टेट सेल मेक सेल नॉट मेक लॉ, पक्का? किससे रिलेटेड लॉ, किससे रिलेटेड लॉ बताइए। हाँ, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो वायलेट करता हो फंडामेंटल राइट्स को। दूसरा, और तीसरा, तीसरे में क्या है? देखिए, पहला जो वर्डिक्ट था, पहला वर्डिक्ट था द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर लॉ अंडर द, उसने क्या कहा था कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले वाले दो वर्डिक्ट में यही था ना कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। तो यहाँ पे क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया आपने, ठीक है, वो लॉ कंसीडर किया जाएगा किसके अंदर, 13(2) के अंदर। दूसरा क्या कहा कि आप सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं वो कर सकते, आप अमेंड नहीं कर सकते। तीसरी चीज क्या है, बुलाया, किसको बुलाया? आईजी को बुलाया, बोले यहाँ यहाँ, वो गई बोले हाँ जज साहब बोलिए, बोल यहाँ पे क्या लिखा है, पावर नहीं लिखा, पावर नहीं लिखा, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है 368 में, 368 में बोले क्या लिखा है, उसने ये बोला कि 368 गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट अमेंड एनीथिंग। जज साहब ने बोला, बोले आंखें खोल बेटा, दोबारा पढ़ क्या लिखा है, क्या देता है, प्रोसीजर देता है, और तुम क्या बोल रहे हो, पावर पावर चिल्ला रहे हो, कहाँ है पावर? अब वो चुपचाप वापस चली गई और बेचारी हार बर्दाश्त नहीं कर पाई, हार बर्दाश्त नहीं कर पाई तो क्या करेगी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएगी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएगी, क्या लेके आएगी? कोर्ट के जितने फैसले थे उनको हटाने के लिए वो क्या लेके आई, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई, और उसने कहा लॉ डज नॉट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पहला वर्डिक्ट सेम, लेकिन क्लॉज ऐड कर दिया, कौन सा, 4। भाई यहां पे, यहां पे कोर्ट ने क्या कहा था, क्या कहा था, अब इस लाइन को पढ़िए, कर दिया उल्टा, हाँ या नहीं?
इसने एक और क्लोज ऐड कर दिया फोर। अब नंबर आता है 368 का। 368 में एक और क्लॉज ऐड करती है क्या? आर्टिकल 13 के ऊपर भी क्या अप्लाई है 368? क्या अप्लाई है 368? मतलब आर्टिकल 13 को भी हम 368 के अंदर चेंज कर सकते हैं। एक और चीज ऐड कर दी, प्रोसीजर को हटा के क्या लिख दिया? पावर लिख दिया। प्रोसीजर को हटा के पावर लिख दिया और जज साहब को बोली अब कर ले, क्या बिगाड़ लेगा, कर दिया मैंने तो। उसके बाद 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होता है कि केरला को भी 9th शेड्यूल में डाला गया। अब केरला वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या हुआ? वहां पे एक केस आता है। सर कौन सा केस? केशु, हमारे केशु का केस। अब केशु आते हैं और केशु क्या थे? केशु एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे, मतलब संत थे, और इनके जो इंस्टीट्यूशन था उनके अंडर बहुत सारी लैंड थी। अब वो लैंड क्या करनी थी? वही डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। तो इन्होंने क्या कहा, चलो केस करते हैं। और केस जब किया तो भाई यहां से क्या वर्डिक्ट आई? पार्लियामेंट कैन चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब खुश हो गई, ये मैंने जो किया था कामयाब हो गया। लेकिन अगली ही लाइन में क्या बोला? अगली लाइन में एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट? सर्टेन प्रिंसिपल्स दैट सुप्रीम कोर्ट विल कीप ऑन आइडेंटिफाइंग टाइम टू टाइम। मतलब ऐसी चीजों को मतलब कुछ प्रिंसिपल को छोड़ के आप क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्या चेंज नहीं कर सकते? कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। और उन चीजों को कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। क्या बताएगा? कि आपको क्या चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं, जो आप हम स्टार्टिंग से चिल्लाते हुए आ रहे हैं। समझ आया? अब केस इजी है या नहीं है? सर कैसे याद होते हैं? अब अपने केसु को भी जमीन तो नहीं मिली, दूसरा क्या कह रहा है? लॉ दैट यू हैव एडेड बिफोर 1973 विल कंटिन्यू टू बी इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या कहा, 1973 से पहले जितने भी लॉ बनाए हैं वो क्या होगा, इम्यून कर दिए जाएंगे, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब ये उनको कैंडी पकड़ा दी कि भाई तुम इंदिरा जी को कि तुम्हें ज्यादा चुल ना हो कि अभी बदलना है। लेकिन वो मानने वाली कहां थी। अब एक चीज बताइए, सुनिए, वापस चलते हैं एक बार। यहां तक समझ आया? कहां तक हो गया? ये एक रोड यहां तक आ गया, समझ आ गया? पहले क्या हुआ था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। क्यों आया?
क्यों आया? लैंड थी, लैंड थी, और हमारा जो सोशलिज्म है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, हाँ या नहीं? तो भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना था किसका? रिसोर्सेज का। इसीलिए लैंड को क्या करना था? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था, लैंड रिफॉर्म करने थे। ठीक है भाई, इतना ही रीजन नहीं था, सीधी सी बात है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला था काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेंगे, मिल गए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था, जब ये गवर्नमेंट बनी, कांग्रेस जीती ही क्यों थी? कांग्रेस इसलिए जीती थी, इन्होंने सबको कहा था कि हम आपको जमीन देंगे। भाई दूसरी भी लाइन तो मैंने पढ़ाई थी, मार्क्सिज्म कहाँ हो गया? दूसरी लाइन मैंने पढ़ाई थी, वो बोल रहा है, मार्क्स बोल रहा है क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी, ऊपर वालों का पैसा लेके नीचे वालों को दे दो, ऊपर वालों की जमीन लेके नीचे वालों को दे दो, लेकिन गवर्नमेंट पे कर रही है ऊपर वालों को। दूसरा, गवर्नमेंट उस लैंड को ओन कर रही है, गवर्न कर रही है, जितने भी रिसोर्स हैं दूसरे केस में। अच्छा, पहला केस तो ये था कि अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट किस में किया गया था? अमेंडमेंट किस में किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। क्यों किया गया? हमें लैंड लेनी थी, इसीलिए अमेंड किया गया। आगे हम बोलते हैं कि संकरी प्रसाद के, संकरी प्रसाद में संकु आया था, क्या हुआ, क्यों आया था, क्या वर्डिक्ट दी थी, वर्डिक्ट क्या दी थी? बोलिए बोलिए। और चेंज एनीथिंग, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चेंज कर सकता है। अब कौन आता है? अपना भाई आता है, अब कौन आएगा? अपना गोलू आएगा, गोकू। और जब गोकू आएगा तो कुछ चेंज होगा, सबका बदला लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना किसका? अपने सज्जू का और अपने संकरी का, दोनों का बदला लेना है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा। तो ये सबका बदला लेने पहुंचता है, और क्या वर्डिक्ट आती है सुप्रीम कोर्ट की? अब आता है कौन सा आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जिसमें क्या किया गया था? ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, मेकअप करने से अंदर की हैवानियत थोड़ी छुप जाएगी, हाँ या नहीं? तो उसने वही हैवानियत की आईजी ने, और सब कुछ चेंज कर दिया। अब होता है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों होगा? केरला को 9th शेड्यूल में डाला गया। अब वहां से क्या निकल के आएगा? केशु निकल के आएगा, अपना केशु आता है तो कुछ और ही वर्डिक्ट आती है, और वहां से एक डॉक्ट्रिन आती है, कौन सी? वहां लिखा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है उन्होंने,
भाई केशवानंद भारती केस में सबसे लंबी जजमेंट आई थी, और वो जजमेंट थी 463 पेजेस की, जिसमें हर चीज को डिफाइन किया था। इतनी बड़ी वर्डिक्ट लिखित में दी थी कोर्ट ने, मतलब एक बुक है अलग से, कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए सिर्फ इसी के ऊपर। बात कर लेते हैं आगे। अब हमारे फंडामेंटल राइट का खेल खत्म हो गया, अब कौन आता है? डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी में हम बात करेंगे किसकी? रिलेशनशिप की, बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी की। एक स्टोरी खत्म, दूसरी स्टोरी शुरू RRR की। अब कौन आएगा? पहले तो वो ट्राइबल लोग्स दिखा, लोगों को दिखाते हैं ना, ट्राइबल लोग दिखाते हैं ना, दूसरे में वो दिखाते हैं, क्या नाम है उसका? अरे ट्राइबल, हाँ वो पुलिस वाला। दूसरी स्टोरी तो पुलिस वाले की शुरू होती है, तो अब यही लगाओ पुलिस वाले की स्टोरी शुरू होने वाली है। और सबसे पहले कौन आता है आपका? चंपाकम दोराई राजन केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब ये कब आता है सर? ये भी 1950 में आएगा सर। क्या हुआ फिर 1950 में? क्या हुआ था ऐसा कि चंपाकम दोराई राजन को आना पड़ा? आर्टिकल 39 सुना होगा, 39 सुना है आर्टिकल? भाई 39 होगा ना, होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आपके पास? नहीं है, खोल के नहीं बैठे हो। इसके क्लॉज एक बार देख लो, क्या हो गया? चला दो भाई, ठंड उसको लग रही है, हमें थोड़ी। ये लो, हाँ मेरी साइड कर लूंगा, एक बार हो जाता है। उसको भाग गया। क्या है 39? लिख लो, क्योंकि हम बार बार इसमें क्लॉज ऐड करते जाएंगे, क्लॉज एंड सब क्लॉज। फिर देखोगे बार बार, सर क्या था दिखाओ, सर क्या था बताओ।
अब राइट के बाद अभी आपका प्रेसिडेंट चल जाएगा ना, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म करके उसके बाद आपका प्रेसिडेंट चल जाएगा। ये इसलिए करवा रहा हूँ, ये केस इसलिए करवाए क्योंकि बार बार आते हैं, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके बाद आपको एक चीज और भी करनी है, ये तो इसका सिलेबस है, ये तो पॉलिटी का सिलेबस है। ये करने हैं आप सर, हमें तो करवाया ही नहीं है, करवाया है नहीं करवाया सर? नहीं करवाया। पहला ही क्वेश्चन देख लो एक बार, बाद में कई नाम आया है सर, कहाँ कहाँ आया है हमें तो नहीं पता। आर्टिकल 19 में आया था, आया था या नहीं? उसके अलावा कहीं आर्टिकल 19 के अलावा? कल भी तो देख रहे थे इसको। दो में ये केस क्यों आया था? क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा था, इसलिए अलेज्ड आया, अलेज्ड बोला था। अभी ऐसा नहीं आएगा क्योंकि वर्डिक्ट आ चुकी है श्रेया सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। उसके बाद ये बता दीजिए, साइज बड़ा, ये तीनों जो खेलते रहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उस खेल को ही तो पूछा है। क्या हम ये डिस्कस नहीं कर चुके कि लेजिस्लेचर क्या काम करता है, जुडिशरी कैसे उसको रोकता है, चेक्स एंड बैलेंस, रूल नंबर 4। इनका मिलिंग कुछ नहीं होता, सब में अपना वही देना होता है आपको, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, कुछ नहीं होता है। ये सब खेल है और इसके नाम पे सब खेलते हैं कि दे दो हमें 35,000 रुपए, हम आपकी आंसर राइटिंग करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2014 में ही दूसरा क्वेश्चन, कुछ पढ़ा है ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? सेंसरशिप बोर्ड आया नहीं? उसके बाद आ जाओ 2015 में, में आ जाओ, 2016। अभी पता चला मैं क्यों स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ 17 में, अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे जो जरूरी जरूरी है। आर्टिकल्स याद होने भी चाहिए, 50 तक तो याद होने चाहिए, ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूं।
51A तक, जब जहां तक आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती, आगे आ जाइए। सेक्युलरिज्म, ऐसा क्वेश्चन आते हैं, कहां आते हैं सर? एमडीयू ने दिया था, एमडीयू नहीं देती है ऐसा। मैंने कुछ आगे एक्सप्लेन भी किया है इसको थोड़ा सा। आर्टिकल 368 की पावर क्या क्या है, ये जो अभी पढ़ रहे थे। चेक्स एंड बैलेंस ये देख लेना, सारा इसी के ऊपर। तीन केस हैं शायद इसमें, तीन है या चार है, चार केस मिलेंगे। आर्टिकल 19, एक और है। आर्टिकल 21, ये मैं दे दूंगा आपको, ये पढ़ लेना है आपको। अरे मैं भेज देता हूं भाई। ये देख लेना, यहाँ आ जाइए फिर से। बात करते हैं इस केस की, जो आपका चंपाकम दोराईराजन केस है। चंपाकम दोराईराजन केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, डीपीएसपी लगाना चाहती थी। डीपीएसपी क्या भाई, हमारा जो इंडिया है वो क्या है, कैसा है? उससे पहले एक चीज देख लो बस थोड़ी सी, भाई आ जा, कहाँ गया ये रहा। मैंने आपको एक वो बताया था, ये बताया था माइकल सैंडल, नहीं बताया, और मैं अभी बोलूंगा तो आपको याद भी आएगा। मैंने ये नहीं कहा था, जस्टिस विद माइकल सैंडल देखना यूट्यूब के ऊपर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अरे हाँ बताया था, ये वही माइकल सैंडल है, और इनकी बुक भी है, और इसी नाम से इनके यूट्यूब पे वीडियोज हैं, चार पांच वीडियो हैं, आप देखना, एथिक्स में काम भी आएंगे। ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं इनको। मॉरल साइड ऑफ मर्डर, अब ये मर्डर को सही साबित कर देंगे। This is of course about justice, and we begin with the story. Suppose you're the driver of a trolley car, and your trolley car is hurtling down the track at 60 miles an hour. And at the end of the track, you notice five workers working on the track. You try to stop, but you can't. Your brakes don't work. You feel desperate because you know that if you crash into these five workers, they will all die. Let's assume you know that for sure.
And so you feel helpless until you notice that there is off to the right a sidetrack. And at the end of that track, there's one word working on the track. Your steering wheel works. You can turn the trolley car, if you want to, onto the sidetrack, killing one. ये माइकल सैंडल है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। स्टार्टिंग में अभी दिखाया था, बात कर लेते हैं। चलो ये जो कहानी बताएंगे उसी की बात कर लेते हैं। देखिए अभी ये क्या बोल रहे थे कि ये रोड है और इस रोड पे आपकी कार सूख की स्पीड पे जा रही है क्योंकि आप दिल्ली के लौंडे हो और आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। आपकी जब कार का ब्रेक फेल हो जाता है आप आगे रोड या तो लेफ्ट में जाओगे या राइट में, आया नहीं क्योंकि रोड आगे डिवाइड कर रहे हैं। अब एक साइड में छह काम कर रहे हैं, छह लोग, और एक साइड में एक काम कर रहे हैं, और आपको पता है आगे जाओगे तो इनमें से कोई ना कोई मरेगा। आप किधर जाना प्रीफर करोगे, छह के तरफ? हाँ कि आप तो आपको तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं? तो भाई इन छह को हम बचाएंगे और किधर जाएंगे? एक तो ये क्या है, मोरल साइड ऑफ मर्डर। सीधा कहाँ जाओगे जब रोड ही नहीं है आगे? भाई खुद ही मरोगे, फिर जनता का भला क्या करोगे? तो ऐसे ही हमारे डीपीएसपी हैं। सर कैसे डीपीएसपी हैं? ये जो छह काम कर रहे हैं, छह डीपीएसपी हैं, और जो एक काम कर रहा है वो क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमें डीपीएसपी लगाना है कहीं और किसी एक इंसान के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हो तो हम कर देंगे, तो हम फंडामेंटल राइट वायलेट कर देंगे। यही क्या है आपका रिलेशनशिप है किसमें? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज सुपीरियर देन द डीपीएसपी, लेकिन अभी देखेंगे कि ये बात सही है या नहीं है। पहले एक कुछ क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन है इनको मत देखना, आंसर्स को मैं पहले एक बार। इसको अच्छे से कर देते हैं। ये क्वेश्चन देख लो एक बार, इनके जवाब ढूंढने हैं। लिखना चाहो लिख लो, लास्ट में वैसे डिस्कस करेंगे हम। क्या है? ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन द ऑल डीपीएसपी।
are some fundamental rights greater than some DPSP or all DPSP greater than all fundamental rights or some DPSP greater than some fundamental rights? क्या ये बात कितनी हद तक सही है और कितने हद तक सच है वो देख लेते हैं एक बार. यहां पर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकली, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकली में गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डर देती है किसको, मतलब डीपीएसपी इन्फोर्स करने के लिए. फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट रिजर्वेशन का केस था. फर्स्ट रिजर्वेशन का केस था, इसमें क्या हुआ था कि जॉब और एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन देना पड़ा था और ये रिजर्वेशन कहीं ना कहीं रिलीजन के भी बेस पे था कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलीजन के बेस पे भी था. अब भाई जो हमारा चंपाकली थी उसको रिजर्वेशन नहीं मिला. अब वो नहीं मिला तो वो कहां पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए. अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ ये बाद में देखेंगे. सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद कहा कि भाई डीपीएसपी लगा दो और डीपीएसपी लगा दो. और क्या कहा, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन डीपीएसपी, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट वॉलेट नहीं होने चाहिए किसी के भी. ये वर्डिक्ट आई, ठीक है सर, वर्डिक्ट आ गई. अब दूसरा केस क्या आया, हमने एक केस ऐड कर दिया, दूसरा केस क्या आया, दूसरा केस आया केरला एजुकेशन बिल. सर केरला एजुकेशन बिल तो समझ में आ गया, ये क्या लिखा है, केरला एजुकेशन बिल समझ में आ रहा है, ये क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है केरला एजुकेशन बिल आया तो केरला एजुकेशन बिल में केरला ने पास किया और केरला गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी कि सारे जो एजुकेशन है केरला की उसको अपने अंडर लेना चाहती थी, मतलब टीचर्स की सैलरी वगैरह, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा सब कुछ अपने अंडर लेना चाहती थी. ठीक है, जैसे आप अगर मैं इंसूट बोलूं तो आप आज के टाइम के प्राइवेट स्कूल अपने अंडर ले ले गवर्नमेंट, तो दिक्कत होगी लोगों को. अब वही दिक्कत हुई तो क्या हुआ, ये बिल आया लेजिस्लेचर असेंबली में, आया बिल केरला के, और जैसे बिल आता है तो भाई गवर्नर के पास जाना होता है बिल पास करने के लिए, उसी के तो साइन होंगे. लेकिन गवर्नर को यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है. अब गवर्नर ने वो बिल रख लिया, रखने के बाद कहां दे दिया, वो बिल दे दिया किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एड एंड एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स को बुलाया और बोला कि ये बिल देखो सही है या नहीं. तो उन्होंने कहा कि बिल हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये ऐड कर दीजिए, मतलब कहा नहीं, ऐसा ऐड हो गया. क्यों हो गया, इन रेफरेंस में ऐड हुआ, इसीलिए INRE लिखा जाता है, केरला एजुकेशन बिल 1958. अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए है, सिटीजन के लिए है, और डीपीएसपी भी किसके लिए है, सिटीजन के लिए है. तो भाई ऐसा करो, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, दोनों ही सिटीजन के लिए हैं, तो दोनों इस तरह से पेश आओ ना कि सिटीजन को भी हार्म ना हो और डीपीएसपी को भी हार्म ना हो, दोनों इस तरह करो. अब यहां से जैसे
भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टाइम मिला तो बोला लेट्स फॉर्म ए न्यू डॉक्ट्रिन, इट्स टाइम टू फॉर्म ए न्यू डॉक्ट्रिन, और उन्होंने क्या किया, न्यू डॉक्ट्रिन बना दी, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यहां पे भी एक वर्डिक्ट सेम रही, कौन सी, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ग्रेटर देन द डीपीएसपी। अभी तक कुछ बदला नहीं, बदला सर, फिर बदलेगा कब, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। अब हमारी आईजी आती हैं और आईजी को वही है बदलने की आदत है। अब मेकअप करके क्या नहीं बदला जा सकता, थोड़ी देर पहले ही बताया था। सोल सलमान अब देखिए आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या लिखा है, 39 क्लॉज बी इस पे मत देखिए, लैंग्वेज बताइए। ये तो मैंने सिंपल लिख दिया, क्या लिखा है, ये हाँ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन, मतलब आप जनता की भलाई के लिए आप क्या करोगे, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, किसका, रिसोर्सेज का। उन्होंने चेंज कर दिया, एक और क्लॉज ऐड किया, कौन सा, सी, सी में क्या ऐड किया पढ़िए, 39 सी में क्या ऐड किया, सी में क्या ऐड किया था सर, लिखा ही नहीं, पीछे हो मैम, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। कंसंट्रेशन मतलब आप कोई भी इंसान जमाखोरी नहीं कर सकता, इकट्ठा पैसा करके नहीं रख सकता, उसे बैंक में जाना ही पड़ेगा। यहां इन्होंने क्या किया था, इसको बुलाया आपने, उसको क्या बोलते हैं, अरे जो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, नहीं 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 भूल गया, सीएजी होता है गवर्नमेंट का, पक्का सीएजी भी, जो भी होता है समझ लेना भाई, मैं भूल गया नाम, सीएजी होता है या फिर अटॉर्नी जनरल होता है सर, हाँ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को बुलाया इंदिरा जी ने और कहा भाग गया, वो गया भाग के, बोले हम एक चीज बता, हम क्या कर सकते हैं, मुझे गवर्नमेंट दोबारा वोट चाहिए, क्या कर सकते हैं हम। वो बोला मैडम ये 239 में दो क्लॉज दिए हैं, इन दोनों क्लॉज को हम छेड़ के देखते हैं। वो बोले ठीक है छेड़ते हैं, और इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया, बैंक नेशनलाइजेशन कर दिया। आया था बैंक नेशनलाइजेशन कब आया था सर नहीं पता, कब आया था, 1969 बैंक नेशनलाइजेशन हो गया,
और बैंक नेशनलाइजेशन होने के बाद क्या कर दिया? दूसरा क्या आया था? हाँ, राजा महाराजाओं को पेंशन देनी बंद कर दी। अब खंभागणी को पेंशन घूमर घूमर बंद हो गया। अब घूमर घूमर बंद हो गया तो क्या करेगा? पैसा मिलना बंद हो गया, जमीन चली गई, बैंक का नेशनलाइजेशन हो गया। अब तलवार से टमाटर काट रहे, क्यों? जीवन चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अमेज़न में काम कर रहा था खंभागणी। अब देखिए, उसके बाद हमने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा। अब पढ़ने के बाद यहां पे आ जाइए, जो सी क्लॉज था। सी क्लॉज में बी और इन्होंने क्या कहा कि 39 बी और सी इज ग्रेटर देन द 40, 40, 19 and 31। क्लियर है? क्या कहा कि 39 बड़ा है, किससे बड़ा है? 40, 19 and 31 से। किसने कर दिया ये? आईजी गांधी जी ने कर दिया। कौन से गांधी जी ने? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने चेंजमेंट कर दिया किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब होता है और क्या लिख दिया, ये जो होगा ना, ये जो होगा उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब कर लो तुम क्या करने वाले। यहां दोबारा से 1970 में वर्डिक्ट आई, बैंक नेशनलाइजेशन को इलीगल बताया गया कि गलत तरीके से किया गया और इनकी पेंशन बायो को पैसे फिर से मिल गए। अब वो घूमर घूमर फिर से शुरू हो गया। हाँ, दोबारा चालू हो गई थी। अब बात कर लेते हैं, यहां आ जाते हैं। अब वर्डिक्ट आई थी क्या, उसके बाद क्या वर्डिक्ट आई थी? राइट टू इक्वालिटी के लिए तो लड़ रहे हैं अभी तक। सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने बोला था ना देनी है जब तक वो रहेंगे। आज नहीं है, बंद कर दिया। यहां तक भाई 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद क्या आया था आपका? केशु आया था। और केशु में क्या कहा गया था कि 1973 से पहले जो भी हुआ है उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, एक लॉलीपॉप थमा दी उनको, कैंडी थमा दी। अब क्या आता है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा भाई? रोला किसका है? सारा फसाद की जड़ कौन है? जमीन। यहां पे कुछ चेंजेस किए गए, यहां पे कुछ चेंजेस हुए और उसके बाद फिर से चेंजेस हुए। कहां पे? 46 में इमरजेंसी का टाइम था। इमरजेंसी के टाइम पे यह आया आपका। 76 में इमरजेंसी लगने के बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और इमरजेंसी हटने के बाद 44 आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहा? डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी बड़े हैं किससे? हैं फंडामेंटल राइट्स से। ये कहा गया थोड़ी देर पहले, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अब मिनर्वा मिल केस आया जहां पे क्या किया गया?
भाई इसको हटाई दो यहां से और कहां लेके जाओ, सारे फसाद की जड़ ही खत्म, फंडामेंटल राइट से हम इसको हटा के और कहां लेके गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में ऐड कर दिए। ठीक है, अब सर जब इतनी देर से आप बता रहे हो कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, क्या आर्टिकल 21 भी वायलेट होगा? क्या आर्टिकल, अगर आपका 14 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 14 की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूं, तो क्या सर आर्टिकल 21 भी हो सकता है इसमें? आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी है ना, सबको बराबर रखना। अब देखिए आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम स्पीच एक्सप्रेशन। अब मान लीजिए एक्सप्रेशन आपका क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है या नहीं? एक्सप्रेशन इक्वालिटी है या नहीं है? तो अगर आपका 14-19 हो रहा है तो 21 भी तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसीलिए मैंने उस दिन कहा था दीज आर द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर 21-14 हुआ तो 19 होगा, अगर 19-21 हुआ तो 14 ऑटोमेटिकली होगा। समझ आया? अभी केस क्लियर है सारे, या किसी केस में दिक्कत है? मेरे ख्याल से तो मैंने जितना आसानी से मैं करवा सकता था उतनी आसानी से करवाया। अब पढ़ते ही रहना, कहां से पढ़ोगे, YouTube से या जो भी आपकी बुक है, सारे केस एक साथ करवा दिए हैं मैंने। तो समझ आया नहीं आया? एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करा दो। अच्छा, मेरे चार क्वेश्चन के आंसर, नो, चार क्वेश्चन के आंसर मेरे। चलिए देखिए, पहले इसी को देख लीजिए, ये डायग्राम बनाना आ गया, ये तो बनाना आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे चलते, ये वही बता रहा है आर्टिकल 14 और 19 अगर वायलेट हुआ तो 21 ऑटोमेटिकली आ जाता है। या आ जाइए, कॉफी भी दे देता हूं, थोड़ी सी जान आ जाए। क्या है, कैन फंडामेंटल राइट बी चेंज, कैन फंडामेंटल राइट चेंज? हाँ कर सकते हैं, अभी तो किया, हाँ तो कर सकते हैं ना अमेंड, वही तो है अमेंड। कैन कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज, यस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट बताएगा कितना कर सकते हैं। कौन बताएगा? कोर्ट बताएगा व्हाट एक्सटेंट तक हम कर सकते हैं। हु कैन चेंज देम? पार्लियामेंट। अब मिल गया जवाब, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, सोशलिज्म को डिफाइन किया, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो इसी के बेसिस पे होता है, हाँ या नहीं? 1950 में लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे या लैंड रिफॉर्म पे होता है ना, उसके बाद
देखिए ये क्या है, इसको भूल गया था, बीच में छोड़ दिया था। आपके पास 31 था, 14 था और 19 था, इसकी तो बात हमने कर ली थी, 31, 14, 19। ये क्या है आपकी, मान लो बंदूक की गोलियां हैं, फंडामेंटल राइट्स वायलेट जो हो रहे हैं, चलाने के लिए गन चाहिए, वेपन चाहिए। अब वेपन क्या है, 30 का क्लोज टू, और या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब आप इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, कि कोई भी अगर कोई नया लॉ लागू होता है तो उसको नल एंड वॉइड समझा जाए अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है। इसलिए दूसरा, कोर्ट में किसी चीज के लिए तो जाना पड़ेगा ना, कि कोर्ट आप आए हो भाई, आपको आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 13 क्लॉज 2 ऐड किया है, और उसी के साथ आर्टिकल 32 में लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। अब हो गया, फायर किस पे करना है, हमारे पास बुलेट भी आ गई, गन भी आ गई, फायर किस पे करना है, फायर नेहरू जी को उड़ाना है। तो भाई नेहरू जी थे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, 31A ऐड किया, क्या लिखा, नो फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड इफ गवर्नमेंट एक्वायर लैंड। अगर लैंड एक्वायर करती है गवर्नमेंट तो कोई भी फंडामेंटल राइट क्या नहीं होगा, वायलेट नहीं होगा। ये यहां था, और करना क्या था, लैंड एक्वायर करनी थी भाई, लैंड को हमने क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट में दे दिया। इसीलिए यहां पे क्या किया गया, 13 क्लॉज ए आया, उसके बाद बीसी इंदिरा जी लेके आई थी, बी इन्होंने भी लेके आए, ये भी लेके आए थे, और बी में क्या लेके आए, 9th शेड्यूल, बी में ये 9th शेड्यूल लेके आए, बी में 9th शेड्यूल क्या लेके आए, कि 9th शेड्यूल में वो हम लिस्ट, वो टॉपिक डालेंगे जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके, जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सके। ये सारी कहानियां यहां लिखी है, ठीक है, आगे चलिए, संकरी प्रसाद केस, क्या केस था, वर्डिक्ट क्या आई थी, आपको याद होनी चाहिए कोर्ट ने क्या बोला था। क्या बोला था, कितने तरह की पावर होती है, दो तरह की, कौन सी, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और ऑर्डिनरी पावर। कॉन्स्टिट्यूशनरी पावर में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, ऑर्डिनरी पावर में लॉ बना सकते हैं, ठीक है। शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वर्डिक्ट क्या रही थी, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। मुझे तो लगता है ये जज भी जो थे वर्डिक्ट देने वाले, ये उसी की पार्टी के थे। क्या होता है, 30 एंट्री और एड होती हैं, और 30 में से दो एंट्री किसकी थी, राजस्थान और पंजाब। राजस्थान का भाइयों पहुंच गया, सज्जन सिंह पहुंच गया, किसी को जमीन नहीं मिली भाई, किसी को जमीन नहीं मिली, क्योंकि जमीन को स्टेट ऑन प्रॉपर्टी बता दिया गया। नहीं, वो जमीन देना ही नहीं चाहते थे, जमीन देना ही नहीं चाहते थे। अब किसी के 500 एकड़ जमीन है, 500 हेक्टेयर जमीन है, वो भाई 400 हेक्टेयर दान में दे देगा, कंगाल हो जाएगा। इसीलिए तो गोकू मारा मारा फिर रहा था। गोकू का केस आया,
उसने बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लिया। आई जी आई ओजी की बेटी, हमारे चाचा, देख लिया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, उसी के साथ 29th आया, केरला को ऐड किया गया, और केरला को, केरला से अब कौन सा आएगा, केशु, केशु के केस में क्या कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या था, इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जस्टिस विद माइकल सैंडल, क्या हो गया भाई, आप देख लो चारों जवाब, इसमें देख साबुन से धोया था क्या, इसमें कुछ मतलब अजीब सी स्मेल आ रही है क्लास में, देख लिया क्या, और आज भी यही है, आज भी यही है, सम फंडामेंटल, सम डीपीएसपी आज ग्रेटर देन सम फंडामेंटल राइट्स, कौन सा डीपीएसपी, 39 बी एंड सी, 39 का क्लॉज बी एंड क्लॉज सी आर ग्रेटर देन 14 एंड 19, हम बोल सकते हैं एक्सेप्ट 14 एंड 19 our fundamental rights are greater than DPSP except 14। समझ आया, अब केस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से तो। अच्छा होनी भी नहीं चाहिए भाई, आज जाके सारे केस पढ़ लेना जहां से भी पढ़ो आप, क्योंकि फिर ये दिमाग में सेट हो जाएंगे आपको कि किसने क्या वर्डिक्ट दी थी। क्या, अरे मैम कहां गया, ये डीडी बासु है, ये डीडी बासु है, सिर्फ नाम चेंज करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
क्या बता रहा था? हाँ, नाम बदल के मैं आपको पेस्ट कर दिए हैं, ये डीडी वासु ही पढ़ा रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना है, मैंने नाम बदल दिया। डीडी वासु जिसने पढ़ी है उसने देखा भी होगा, वो समझ भी गया होगा कि डीडी वासु है, क्योंकि लोग बोले थे कि सर लैंग्वेज हार्ड है, समझ नहीं आती, लेकिन यहां जब बैठ के कर रहे हैं, हाँ सर सब कुछ आ रहा है। क्वेश्चंस के आंसर मिल गए? जहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, हाँ प्रेजेंट में भी ऐसा ही है। चले आगे, हो गया। बस खत्म, अब पूछना है तो पूछो कुछ जो भी हुआ है इसमें से। थर्टी वन सी में क्या है कि आप रिसोर्स का, सॉरी वो जो है पेंशन, रिसोर्स का आप पेंशन तो दूसरे में थे, कि रिसोर्स का आप क्या नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, पैसे को जमा नहीं कर सकते। 31 का, अच्छा ये रहा 31 से। क्या कह रहा है, जो भी आर्टिकल 13 के अंदर है, नॉल आर गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट टुवर्ड्स द सिक्योरिंग, क्या सिक्योरिंग, किसकी बात कर रहा है? पार्ट फोर में क्या है डीपीएसपी, कि कोई भी आपका लॉ कोई भी हो, आर्टिकल 13 के अंदर अगर कुछ भी है वो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने से हमें नहीं रोक सकता। और पढ़ना है आगे, अब 13 में, 31 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब कब हुए हैं वो देख लो। 31 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब कब हुए हैं, अभी जब हम बात कर रहे थे 42nd अमेंडमेंट 1776 क्या हुआ था, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी ऐड किया गया था, कहां उसके बाद
31 में सेक्शन 4 हैज बीन डिक्लेयर इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट किसने मिलर व मिल केस में 80 में आया था ये जजमेंट उसका 80 में आया था क्योंकि मिनरवा मिल्स को ये क्या कर रहे थे नेशनलाइज कर रहे थे गवर्नमेंट के अंदर ले रहे थे इसीलिए उसी मिल के नाम से ही केस रिपोर्टेड है क्या है ये वाला यही तो मैं बता रहा हूं मैम कि 31 में कहां कहां कब कब चेंजमेंट हुआ मान लो जैसे यहां पे 3 लिखा है अब 3 में आ जाइए कब ऐड किया इसके अंदर 4 लिखा है 4 लिखा है 6 4 6 है 5 4 6 5 इसीलिए बोला जाता है डीडी वासु पड़ी है क्योंकि यहां हर चीज अच्छे से दी हुई है कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ और क्या लेके आया इतना समझ आ गया क्लियर है केस में कभी कोई दिक्कत आएगी अभी केस से रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन डालूं तो कोई दिक्कत टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है अब डीपीएसपी पे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है 32 हो गया 33 35 36 क्या बोल रहा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट डेफिनेशन ऑफ स्टेट 36 मतलब वही डेफिनेशन होगी जो पार्ट 3 में हमें मिली थी हाँ या नहीं वही तो लिखा है वही तो लिखा है कि पार्ट 3 में जो जो हमने स्टेट को डिफाइन किया है वही स्टेट है 37 क्या कह रहा है 37 क्या कह रहा है हाँ कोर्ट में इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है जस्टिसेबल क्यों नहीं है जस्टिसेबल है या नहीं है क्यों भाई गवर्नमेंट के पास पैसा है तो आपके लिए स्कीम भी लेके आएगी आपका वेलफेयर भी सोचेगी गवर्नमेंट के पास आज पैसा है कल नहीं है कोविड के टाइम में नहीं था कहां स्कूल बनवा दिए आज इकोनॉमी पहले ही हम इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे स्टैगफ्लेशन है इन्फ्लेशन भी हाई है गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि कंट्रोल किया जाए नहीं हो रहा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है इतना कहां से देगी लोगों को फैसिलिटीज दे रही है लेकिन बहुत कम दे रही है जो बहुत जरूरी है वही चीजें दे रही है गवर्नमेंट इसीलिए क्या नहीं है 37 में क्या कहा है इसीलिए आप एनफोर्स नहीं करवा सकते डीपीएसपी सर मेरे को डीपीएसपी नहीं मिल रहा एनफोर्स करना है हो सकता है ऐसा पॉसिबल है नहीं है क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के हैं आपके नहीं है नेक्स्ट क्या कह रहा है 38 क्या कह रहा है स्टेट क्या करेगा करेगा कुछ ऐसा क्या कह रहा है क्या करेगा मुझे समझ नहीं आया मैंने लाइन तो लगा दी
जल्दी जल्दी बोलो, आधा घंटा है। हाँ पता नहीं सर क्या बोल रहे, मुझे समझ में नहीं आता। सारे एक साथ बोलोगे कैसे समझूंगा, दो ही कान है और सुन एक ही सकता हूँ। तो मुझे ये पढ़ के थोड़ा सा इसका सारांश बता दीजिए। क्या इससे रिलेटेड प्रीएम्बल में कुछ आया था? क्या आया था, क्या आया था, तो वो चीज बता देंगे आप मुझे, क्या प्रीएम्बल में क्या पढ़ा था? हमने प्रीएम्बल को क्या कहा था? प्रीएम्बल को हमने क्या बोला था? आइडेंटिटी कार्ड। और क्या बोला था दूसरा? रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। या हम बोल सकते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा वो चीज ये रिप्रेजेंट करेगा, कर रहा है या नहीं कर रहा वो। नेक्स्ट 39 पे आइए। थर्टी नाइन में क्या कह रहा है? इक्वालिटी। हाँ स्टेट को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? पहला देखिए क्या बोला है, स्टेट क्या फॉलो करेगा? सभी को बराबर, बराबर का अधिकार। और एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड। सर इसका मतलब क्या होता है? सबको बराबर अधिकार दे दिए, आगे दूसरे में बोल रहा है कि एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, मतलब जीने के लिए पर्याप्त प्रसाधन देगा, जीने के लिए पर्याप्त वस्तुएं देगा। पीडीएस चला हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों चला हुआ है, क्यों चला हुआ है? गरीबों को अनाज देता है, क्यों देता है भाई, क्यों देता है गवर्नमेंट? अमीरों को उस अनाज की जरूरत है, वो तो खाएंगे भी नहीं, ये तो गंदे गेहूं है हम नहीं खाएंगे। जब तक उनको वो 7 से 8 अनाज वाला आटा नहीं मिलेगा वो खाना नहीं खाएंगे। गरीब को सिर्फ खाने के लिए चाहिए, वो ये नहीं देखेगा कि गेहूं कैसा है क्या है, वो लेके आएगा। नो डाउट अच्छे गेहूं देती है गवर्नमेंट, अच्छे गेहूं देती है, लेकिन बीच वाले कर देते हैं। ऐसा ही आपके मिड डे मील में होता है। आज तक किसी मिड डे मील में एग मिलता देखा है? लेकिन पैसे तो एग के भी मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेट मिलते हैं। हाँ हरियाणा में तो नहीं देते, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा में वही है लोगों की मेंटेलिटी। अब बेटा अंडा खा के आ रहा है बाहर, घर में जाते ही माँ लित्तर खिलाएगी उसको, आजा ड्रम भ्रष्ट कर दिया नालायक। हाँ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है।
क्या बोला है कि जो रिसोर्सेज हैं वो इस तरह से बांटे जाएं कि सबको बराबर मिले, किसी का नुकसान ना हो, जिसके पास है उससे लेके भी इस तरीके से दिए जाएं कि उसको भी ये ना लगे कि उसका नुकसान हो। अगर लैंड भी थी किसी के पास तो लैंड भी क्या की गई, ली गई, उसके लिए पैसे दिए हैं गवर्नमेंट ने। अभी भी गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड लेती है उसके बदले पैसे देती है। नेक्स्ट क्या है, क्लॉज सी में आइए। क्लॉज सी क्या बोल रहा है, ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। क्या कह रहा है, समझा नहीं मैं तो। इकोनॉमिक सिस्टम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ समझा नहीं, कोई समझाएगा? हाँ, ये नहीं है कि आप घर में पैसे जमा करके रख रहे हो, उससे तो क्या होगा, मार्केट में पैसे की कमी आएगी ना, हाँ या नहीं? नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी हमारे उसमें डिफाइन किया था, किसमें, प्रीएम्बल में। नेक्स्ट क्या है, मतलब पढ़ना आ गया, आप होशियार हो गए बच्चे। एक वर्ड है, ध्यान से पढ़ लेना, बच्चों के पास भी क्या है, अधिकार है, तो गलती से भी पीट मत देना अपने होने वाले बच्चों को, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं पता, वो आएंगे तब तक ये हर एक को पता होगा किसका अधिकार है, फ्रीडम एंड डिग्निटी है किसका। समझ गए ना, इंग्लिश में ही समझ गया, हिंदी में इसको हिंदी में ही समझ लेना, क्योंकि आपके लिए भी जरूरी है और मैम के लिए तो जरूरी है। थर्टी नाइन ए, थर्टी नाइन ए, अजमल कसाब केस किया था, अजमल कसाब फ्री एंड फ्री एंड फेयर ट्रायल, फ्री लीगल एड, सॉरी हाँ, गवर्नमेंट देती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट देती है, आपका हो ना हो देगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। 40 क्या कह रहा है, विलेज पंचायत। अच्छा एक चीज बताओ, डीपीएसपी हम तीन चार तरह के पढ़ते हैं, पढ़ते हैं गांधीयन और लिबरल पढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए, ये जो है किसकी बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, सोशल की बात कर रहा है या लिबरल की बात कर रहा है, ये सोशलिस्ट की बात कर रहा है, लिबरल की, सोशलिस्ट है या लिबरल है, ये बता दीजिए। अब बता सकते हो ना, किसी चीज को भी पढ़ के, या मुझे ही बताना पड़ेगा ये लिबरल है, ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये क्या है। 41 को देखिए,
यहीं से पता लग जाता है। पढ़ तो लीजिए आगे लिखा क्या है। अब वो लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन कौन से गांधीयन है, ये पूछा भी नहीं जाता। आपके लक्ष्मीकांत ने इनको डिवाइड कर रखा है बस। लक्ष्मीकांत चचा ने डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर दिया? लक्ष्मीकांत को मंजुलिका दिखी थी। चले आगे। 42 क्या कहता है? सोशलिज्म की बात करता है या गांधीयन की? लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, वेज फॉर वर्कर्स। हाँ देख लो, वेज फॉर वर्कर। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पढ़ चुके हम फंडामेंटल राइट्स में, फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशंस, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारा इसी में है। स्टेट भी प्रमोट कर रहा है और अमेंडेड है, अमेंड करके ऐड किया गया है। कब ऐड किया गया है? थर्ड देखिए। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसकी अभी बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, क्या है यूसीसी? अच्छा, एक चीज बताइए, हिंदू लॉ जो है, हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या ये लिखा है कि भाई हिंदू की शादी तभी मानी जाएगी जब वो मांग में सिंदूर लगाएगा या 7 फेरे लेगा? क्या लिखा है? क्या लिखा है? वही तो पूछ रहा हूं, सारे हिंदू बैठे हो। हाँ पढ़ा नहीं था, फिर भी पता तो होना चाहिए। हम 7 फेरे क्यों लेते हैं? मैम बता पाएंगी सही? 4 करवाते हैं। हाँ एक्सपीरियंस वाले से ही पूछ रहा हूँ, मैम ने तो बोल दिया 4 चक्कर लगाए थे इन्होंने तो। मुस्लिम्स का बता दो, तलाके बिद्दत और तलाके सुन्नत में क्या डिफरेंस है? तलाके बिद्दत, ट्रिपल तलाक किस में आता है? बिद्दत में और सुन्नत में। बिद्दत है, सुन्नत। हाँ 90 डेज का टाइम मिलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट एक बार क्या करता है कि आपको टाइम देता है, 6 महीने का 7 महीने का या 2 महीने का, जब भी आप रहो, परिवार से दूर रहो, अकेले रहो, अच्छे से रहो। और उस टाइम अगर आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको कंटिन्यू करने का मौका है, अगर आप नहीं बढ़ना चाहोगे, आपकी आइडियोलॉजी नहीं मैच कर रही, तो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। जो मैं बात कर रहा था हिंदू मैरिज एक्ट में,
सेवन स्टेप्स की बात की गई है, सात फेरे नहीं, सेवन स्टेप्स की बात, सात वचन अलग हैं। हाँ, सेवन स्टेप्स की बात की है और सेवन स्टेप्स आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज। अब वो चाहे सिंदूर से उसका पूरा सर लाल कर दे या ना लगाए, डजंट मीन कि शादी नहीं हुई। वो फिर कभी पढ़ेंगे सिंदूर क्यों लगाते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं, वो फिर कभी देखेंगे जब मैरिज हिंदुओं के बारे में कभी देखेंगे ना कि हिंदू कहाँ से आए और ये रिचुअल्स कौन कौन सी रिचुअल, जो भी आप रिचुअल पूछना चाहोगे मैं उसी के बारे में बता दूंगा। अब पहले 47 पे आ जाइए क्योंकि टाइम होने वाला है और उससे पहले मुझे डीपीएस भी खत्म करने हैं। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, मिड डे मील, पीडीएस सिस्टम, उसके अलावा कोई, उसके अलावा स्कीम। हाँ, मातृ सुरक्षा अभियान, वीमेन को न्यूट्रिशन दिया जाएगा, इसके अलावा रुपए भी देते हैं, वो कौन सी स्कीम है जिसमें 2000 रुपए मिलते हैं उसको, ठीक है, मातृ वंदना योजना है या कुछ। हाँ, और उसके बाद फ्री चेकअप होता है, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, प्रोटीन का डब्बा दिया जाता है बड़ा सा, ये सारे क्या है डीपीएसपी के अंदर आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मान लो आज गवर्नमेंट के पास नहीं है पैसे, वो डब्बा देना बंद कर रही है, आयरन की गोलियां नहीं दे रही है, आप दौड़ के कोर्ट में जाओगे कि मुझे उसने आयरन की गोलियां नहीं दी, कैसे नहीं दी भाई, मेरे से पहले वाली को तो मिली थी, मुझे आयरन का डब्बा नहीं दिया, अब तो पाउडर, वो दूध वाला पाउडर भी देने लग गए। तो बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट और फिर कहती है जनसंख्या कम करो, कौन करेगा। हाँ, वो फिर कंट्रोलर साहब के पास जाना पड़ेगा। देखिए 48 क्या कह रहा है, 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो आपके किसानों को लोन मिलते हैं, केसीसी बनता है, स्कीम्स आती हैं और एग्रीकल्चर के लिए डेयरी फार्म या फिर आप ये जैसे पिग फार्म होता है और एक्वा कल्चर होता है, इन सब के लिए वो सब कहाँ आते हैं, ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जाता है इसी स्कीम के अंदर कि फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके चीजों का। नेक्स्ट देखिए, ये बाद में ऐड किया गया है, स्टेट की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड कर दिया, मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिक जो मॉन्यूमेंट है उनका स्टेट क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, इसीलिए तो उन्होंने क्या बनाया, एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, इन्हीं मॉन्यूमेंट को तो देखती है, स्टेट को बोलती है भाई तूने इसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करेगा, इसका रिनोवेट करवाएगा, इसका टाइम हो गया है, ये टूटने वाला है, इसको मरम्मत करवा या जो भी करवा सकता है वो करवा। ताजमहल के ऊपर नहीं, वो नहीं आता इसके अंदर, वो चीजें अलग है। सेपरेशन ऑफ, क्यों ऐसा क्यों, रूल नंबर 4 चेक्स एंड बैलेंस, याद है, नहीं याद था सर। अभी इंदिरा क्या कर रही थी, कर रही थी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा डांट फटकार दिया, भगाया सबको,
नेक्स्ट क्या है? ये याद करनी पड़ेगी आप, कितनी है? पहले 10 थी, बाद में 11 कर दी। कौन कौन सी है जल्दी से देख लो, इन पे बाकी कल बात कर लेंगे एक बार डीपीएस पे और इस पे दोबारा से। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, दोनों की रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फ्लैग की रेस्पेक्ट नहीं करूं तो क्या होगा? एंथम की रेस्पेक्ट नहीं करूं चलेगा, फ्लैग की रेस्पेक्ट नहीं करूं तो जेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? फ्लैग कमेटी है, फ्लैग कोड है, फ्लैग कोड के अंदर मुझे सजा हो सकती है, फ्लैग एक्ट है, इमरजेंसी के टाइम पे आया था क्योंकि लोग झंडे को जला भी रहे थे, पैरों के नीचे कुचल रहे थे, इसीलिए आया था इमरजेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट, नॉवल आइडियाज एंड इंस्पायर ऑफ, इसीलिए तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कोई हॉस्पिटल बनना था दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बनना था, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस डिजाइन को, उस हॉस्पिटल के डिजाइन के लिए लोकल लोगों को बोला कि अपने अपने डिजाइन लेके आओ और हम क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट डिजाइन करेगा उसको अप्रूवल देंगे। तो ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी तो कर रहे हैं वो। नेक्स्ट सी क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई। डी क्या है? जब भी देश को जरूरत पड़ेगी सहायता करनी पड़ेगी। ई क्या है? वही है, लड़ाई झगड़ा दूसरे के साथ नहीं करेंगे, दूसरे के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्या है? अब ये नहीं है कि कहीं कोई चीज देखने जा रहे हो कहीं पे भी, मान लो अब कोई भी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देखने जाओगे ना, कोई भी चले जाओ, वहां पे लोग क्या करते हैं, भाई इससे क्या होगा, पेड़ पे भी नहीं छोड़ते, क्या होगा भाई, साबित क्या करना चाहते हो? और ये बना के तुमने इसको बेचारे को तोड़ तो पहले ही दिया, उसमें से तीर पास कर दिया, अब कौन सा तुम्हारा ये जोड़ा रहेगा? रिश्ते को तोड़ पहले देते हैं ये तीर पास करके, क्या है वो, कोई मतलब इंसानियत है क्या? आपकी धरोहर है, आप ही उसको नुकसान पहुंचा रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। ये इसीलिए यहां पे डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्या है? सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? ये सर किसके अंडर एड हुई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने किस टाइम, आपकी इमरजेंसी के टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे ऐड की थी। क्यों ऐड की थी सर, इमरजेंसी में ऐसा क्या होगा? सारे प्रोविजन देखिए किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है ना कि लोग अगर भड़केंगे तो तोड़ भी सकते हैं। सर एनवायरनमेंट को कैसे तोड़ेंगे भाई, आग लगाएंगे किसी चीज में, एनवायरनमेंट को हार्म होगा या नहीं होगा? नेक्स्ट देखिए, लास्ट, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना है, चाहे कोई भी हो अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। अरे आप तो भेजेंगे, मैं वैसे बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है, मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ आपको कि भेजना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ भाई, उसमें लिखा है सभी को बोला, क्योंकि जैसे जो एसटी हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो नहीं भेजते, या वैसे भी जो जिनके पास अर्निंग सोर्स कम होता है
वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। इसीलिए हमने कल परसों कल भी बात की थी कन्या योजना, आप अपने बच्चे को भेजिए ना, हम आपको पैसे देंगे, मिड डे मील देंगे, खाने को देंगे, सब कुछ दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को भेजिए, हो सकता है उसी लालच में वो भेज दे, ताकि वो एजुकेशन उसकी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन तो हो जाएगी। अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल छपा था चाइल्ड मैरिज पे, पढ़ा था, जिनकी बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है उनकी शादी थोड़ी सी लेट हो रही है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी शादी पहले हो रही है। अगर जिसने 12th किया है ना, 12 से 13 साल या 15 साल की एजुकेशन ली है, मतलब कॉलेज या 12th किया है, उनकी शादी 21 साल के बाद ही हो रही है, 21 साल 25 साल के बाद। तेरी नहीं हुई? क्या कह रही है? मेरी अभी तक नहीं हुई, वो अलग अलग चीजें हैं, आप हर चीज को एक ही जगह नहीं लेके आ सकते ना। आई हैव मैरिड विद द यूपीएससी, इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर। धौलपुर हाउस है, आज से मेरी ससुराल बदल गई, आज से मेरी ससुराल धौलपुर हाउस है, और अब आज से मेरी ससुराल वालों को अगर बुरा भला कहा तो देख लो फिर कि यूपीएससी ऐसी है वैसी है। आज वाले में कोई डाउट अभी तक? कल से एक बार इनको, मतलब कल एक बार फिर से डीपीएसपी तो अब क्या ही देखेंगे, सीधा प्रेसिडेंट देखेंगे, क्योंकि आपको याद होने चाहिए कि डीपीएसपी है क्या, परसों टेस्ट है, तो कल नहीं लू क्लास, पीछे का रिवाइज करवा दूं। ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, कल सारे जितने भी हैं एक ही पीडीएफ में मैं डाल लेता हूँ, और 2.5 घंटे में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ जितना हो सके। मैंने भेज दिया भाई।